हेलो एवरीवन कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद है स्टूडेंट्स पेरेंट्स एंड अदर व्यूअर्स आपकी नॉलेज बढ़ाना कि जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं उनके लिए क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल हैं इंडिया में इंडिया में ही नहीं अब्रॉड ऑल्सो और क्या क्या करियर ऑप्शन हैं ताकि आपकी नॉलेज बढ़े और अपनी नॉलेज और बाकी सोर्सेज से भी डिस्कस करके आप एक बेटर डिसीजन ले सकें यस आई हैव टू मूव फॉर दिस करियर ऑप्शन तो दोस्तों कुछ करियर ऑप्शंस मैं आपको बताने जा रहा हूं देखिए जैसे फर्स्ट है बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप बिजनेस ट्रेड एंड इंडस्ट्री की तरफ बढ़ना चाहते हैं दोस्तों याद रखिए मैं भी एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूं जिसने बी कॉम एम कॉम फिर बी एड फिर एम बी ए की है एंड नेट और यूजीसी क्वालिफाइड हूं तो कॉमर्स मेरा एरिया है आई एम वेरी कंफर्टेबल इन इट तभी मैं आपको बेहतर तरीके से समझा पाऊंगा तो बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अगर आप बिजनेस ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज में बढ़ना चाहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज देखते हैं और उसमें आपका इंटरेस्ट भी है सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज ही नहीं आप लेटर ऑन अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं इसके बाद आप एम कर सकते हैं जिसमें आपको कॉमर्स सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलती है तो आप बी चुन सकते हैं इसके बाद है बी इंटरनेशनल बिजनेस वो बी जनरल था ये है बी इंटरनेशनल बिजनेस अगर आप सोचते हैं कि आपको इंटरनेशनल लेवल पे जॉब करनी चाहिए और आपका इंटरेस्ट है तो आप बी इंटरनेशनल बिजनेस चॉइस कर सकते हैं इसके बाद है बी कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसे बीबीए सीए बोलते हैं अगर आपका कंप्यूटर में इंटरेस्ट है दोस्तों तो आप बीबीए अलोंग विद कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं इसके बाद है दोस्तों कॉमर्स स्ट्रीम का जो सबको पता है सबसे पॉपुलर मोस्ट इंपोर्टेंट साउंड जिस कहते हैं ना सोशल स्टेटस सबसे ज्यादा है जिसमें लेकिन मेहनत भी उतनी है और वो कोर्स है सी ए चार्टर्ड अकाउंटेंसी चार्ट अकाउंटेंट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया से आप रजिस्टर करा के इसके फाउंडेशन कोर्स आईपीसीसी और फाइनल जो एग्जाम है उनको देकर चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं और एक बात याद रखिए दोस्तों जो सीए है चार्टर्ड अकाउंटेंट है इसकी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो जीरो परसेंट है यानी कोई भी सीए आपको अनएम्प्लॉयड नहीं मिलेगा आपकी स्किल आपकी नॉलेज के बेस पर देर इज नो लिमिट ऑफ सैलरी जितनी चाहे सैलरी आप गवर्नमेंट जॉब्स में पा सकते हैं कोर्स, जितना डिफिकल्ट दिखता है उतना है उतना नहीं इसमें हार्ड वर्किंग चाहिए पेशेंस चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन को इजीली क्लियर कर सके इसके बाद है दोस्तों सी एस कंपनी सेक्रेटरी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया आईसीएसआई से भी आप ये नॉलेज गेन कर सकते हैं गूगल करके कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है दोस्तों जो आप फिल्मों में देखते हैं ना कि वो पीए होता है दैट इज इज डिफरेंट इट कंपनी कंपनी सेक्रेटरी जितने भी के लीगल मैटर्स होते हैं दोस्तों जितनी भी कंपनी की लीगल मीटिंग्स होती हैं कौन हैंडल करता है उनको कंपनी सेक्रेटरी हैंडल करता है और याद रखिए कंपनी सेक्रेटरी को कंपनीज की टॉप मैनेजमेंट में काउंट किया जाता है और अगर आप में हुनर है स्किल है नॉलेज है कम्युनिकेशन अच्छी है नॉलेज के साथ साथ तो आप कंपनीज के सीईओ पोजीशन तक भी जा सकते हैं एज ए सी काम करके तो सी सीएस के इक्वली गुड सोशल स्टेटस है फाइनेंशियली वेरी साउंड और सैलरी नो बार दैट डिपेंड ऑन योर नॉलेज ऑन योर स्किल ऑन योर एक्सपीरियंस ऑन योर एक्सपर्टीज नेक्स्ट है दोस्तों बी जनरल जो स्टूडेंट्स ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हैं ट्वेल्थ के बाद तो वो बी कॉम जनरल कर सकते हैं बी कॉम जनरल में दो चीजें आती हैं दोस्तों बी कॉम पास एंड बी कॉम ऑनर्स ये भी बहुत जबरदस्त ग्रेजुएशन डिग्री कोर्सेज हैं जिनको करके आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हैं इसके बाद है बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स ट्वेल्थ कॉमर्स आपने जब की देखी दोस्तों नॉर्मली हर किसी के पास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट भी होता है ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद आपने लगा आपको कि आपको बीबीए या बीकॉम पास बीकॉम ऑनर्स नहीं करनी तो यू कैन थिंक ऑफ बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं दोस्तों लेटर ऑन आगे आप एम ए इकोनॉमिक्स कर सकते हैं एज इकोनॉमिक एनालिस्ट बड़े बड़े बिजनेसेस में बहुत डिमांड है आप काम कर सकते हैं नेक्स्ट है बैचलर ऑफ कॉमर्स एंड फाइनेंशियल मार्केट बी सी एफ एम बहुत डिमांड है इसकी आज के डेट में इस कोर्स को भी आप सर्च करके अच्छे से स्टडी कर सकते हैं इसके बाद है बीकॉम मार्केटिंग देखिए दिस इज द एज ऑफ मार्केटिंग दोस्तों मल्टीनेशनल कंपनीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक दूसरे कंट्रीज में हजारों ने लाखों कंपनीज काम कर रही हैं हर किसी को अच्छा मार्केटिंग पर्सनल चाहिए तो ये कोर्स करके आप बन सकते हैं नेक्स्ट है बीकॉम टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट अगर आपका टूरिज्म और ट्रेवल में इंटरेस्ट है इंडिया में टूर एंड ट्रेवल बहुत जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहा है दोस्तों इसमें भी आप सोच सकते हैं देख सकते हैं नेक्स्ट है बी ए इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस अगर कॉमर्स स्ट्रीम लेने के बाद आपको लगा कि नहीं यार मुझे तो ह्यूमैनिटीज या आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने थे नो no इश्यूज आप ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद भी बी ए कर सकते हैं बी ए जनरल भी कर सकते हैं और फोर्टींथ नंबर पे है इंटीग्रेटेड कोर्स बता रहा हूं दो, दोस्तों एक आपको बी एल एल बी ये फाइव इयर्स का कोर्स होता है आपका जिसमें बी भी हो जाएगी आपकी एल भी हो जाएगी और आप एज ए लॉयर प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके बाद जो कि एक बहुत जबरदस्त कोर्स है फिफ्टींथ नंबर पे नेक्स्ट है दोस्तों बी डी एस इन डिजाइन यानी बैचलर ऑफ डिजाइन अगर आपका डिजाइन में इंटरेस्ट है जिसमें इंटीरियर डिजाइन होते हैं प्रोडक्शन डिजाइनर होते हैं ऐसा कुछ आप करना चाहते हैं और आपका माइंड चलता है डिजाइन में तो आप बैचलर ऑफ डिजाइन कोर्स भी चुन सकते हैं नेक्स्ट है डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी स्टार्टिंग क्लासेस होती हैं स्कूल्स में उनमें एलिजिबिलिटी के लिए डीएड का कोर्स होता है आप इसे कर सकते हैं बी कॉम ऑनर्स है मैं पहले बता चुका आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस हर कंट्री में देखिए बैंकिंग एंड इंश्योरेंस फास्टली रैपिडली ग्रो कर रहा है दोस्तों तो आप बैचलर ऑफ कॉमर्स स्पेशलाइज सब्जेक्ट है बैंकिंग और इंश्योरेंस इसमें कर सकते हैं नेक्स्ट है डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस एनालिस्ट एनालिटिक्स एंड क्लाउड कंप्यूटिंग ये हमारे कुछ इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल कोर्सेज हैं दोस्तों इन कोर्सेज को आप करके भी अपना बेटर करियर बना सकते हैं मैं फिर से बता दूं डिजिटल मार्केटिंग में है बिजनेस एनालिटिक्स में है क्लाउड कंप्यूटिंग आप जानते हैं जहां भी आपकी जो मोबाइल वगैरह के जो डाटा होता है उसकी स्टोरेज होती है वो क्लाउड कंप्यूटिंग का ही हिस्सा है इसमें आप बहुत बेहतरीन करियर बना सकते हैं देन इसके बाद है दोस्तों सर्टिफाइड इंडस्ट्रियल अकाउंटिंग आप चाहें तो अगर अकाउंट्स में अपना कोर्सेज करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं तो अकाउंटिंग से रिलेटेड कोर्सेज कर सकते हैं मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म अगर आप मीडिया में जर्नलिज्म में आगे बढ़ना चाहते हैं तब भी आप ये मास कम्युनिकेशन या जर्नलिज्म के कोर्सेज कर सकते हैं अब कुछ कोर्सेज बताऊंगा दोस्तों उनमें से ऐसे कोर्सेज भी हैं जो इंटरनेशनल लेवल पर भी वैल्यूएबल हैं यूजफुल हैं उनमें से एक है देखिए सीपीए सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स ये कोर्स आप यूएसए से करते हैं और अक्रॉस द वर्ल्ड इसकी डिमांड होती है दोस्तों इसी तरह का एक कोर्स है ए सी सी एसोसिएशन ऑफ सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट इसी तरह का एक कोर्स है सी एम ए सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट सी एम ए का एक मीनिंग और है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोस्तों नेक्स्ट है ये बीच में आ गया देखिए सी यूपीएससी जो साइंस है कॉमर्स है एंड ह्यूमैनिटीज है सभी के लिए होता है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दे सकते हैं अगर आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ना है गवर्नमेंट की जॉब की तरफ जाना है और लास्ट है दोस्तों ये यूके बेस्ड कोर्स में आपको बता रहा हूं ये है सीमा चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स तो यूके बेस्ड कोर्स है और डेढ़ सौ से ज्यादा कंट्रीज में इसकी वैल्यू और वर्थ है दोस्तों अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जॉब करना चाहते हैं बिजनेस इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड में तो आप सीमा सी आई एम ए ये कोर्स भी कर सकते हैं तो दोस्तों ये कुछ लिस्ट थी आप स्क्रीन ले सकते हैं जो मैंने आपको बताया है कि कॉम ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कौन कौन सी करियर ऑप्शन हैं बट सिर्फ यही करियर ऑप्शंस नहीं है इसके अलावा बहुत सी और भी करियर ऑप्शंस आपको मिल सकती हैं जो आजकल आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जैसे बीकॉम करते करते भी आप फोटोग्राफी में जा सकते हैं आप प्रोडक्शन में आप परचेज में इंटरेस्ट हैं तो उससे रिलेटेड कोर्सेज डिग्री और डिप्लोमाज हैं दोस्तों उनमें भी अपना करियर बना सकते हैं आप म्यूजिक में आप सिंगिंग में आप डांसिंग में भी आगे बढ़ सकते हैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली बट याद, याद रखिएगा मेरा परपज आपको गाइड करना है अपना कोई भी डिसीजन लें आप किसी कोर्स के बारे में तो उससे रिलेटेड डेटा जरूर सर्च करें कौन सा कॉलेज बढ़िया है उसकी रैंकिंग क्या है कौन सी यूनिवर्सिटी बढ़िया है प्लेसमेंट कैसी है कैसा वहां का स्टाफ है कैसी वहां की फैकल्टी है इन चीजों पर भी पूरा ध्यान रखिएगा तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो भी आपको बहुत अच्छा लगा होगा इसी चैनल पर कॉमर्स विद डिफरेंस चैनल पर आप अकाउंट्स बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी नॉलेजेबल वीडियो देख सकते हैं चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा ये वीडियो का जो लिंक है अपने फ्रेंड्स अपने क्लासमेट्स और अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर कीजिएगा उनके साथ बैठकर देखिएगा अपनी नॉलेज बढ़ाइए उनकी भी नॉलेज बढ़ाइएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों स्टे कनेक्टेड इंप्रूव योर नॉलेज